ये है छान का रास्ता है, ये हमारी बहू रानी गांव की। ये देखिए फूलों की घाटी। छान पे जाके बड़ा अच्छा लगा, जाके सब जानवर भी देखे, बहुत मज़ा आया। थोड़ा हरियाली से वैसे ही मुझे प्यार है, थोड़ी हरियाली देखी, पहाड़ देखे बहुत अच्छे। उसके बाद हो गई हमारे नाग देवता और भद्राज देवता की पूजा शुरू, जो कि सिर्फ जेंट्स कर सकते थे। उसके बाद आरती हो गई और आरती पंडित जी इतनी सुंदर सजा रहे थे थाल, तो हर रोज़ एक एक थाल बहुत अच्छी सजा रहे थे अलग अलग प्रकार से। कभी गणेश भगवान का बना रहे थे, कभी माता रानी का मुखौटा बना रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से। उसे देख के भी मन मुग्ध हो जाता था। इस पूजा में इतना मन लगा कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगा, पूजा करके बहुत अच्छा लगा। तो ये लास्ट दिन है पूजा का। पंडित जी भी बहुत अच्छे थे, 5 पंडित थे, सब बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने कथा की, हर प्रकार से बहुत अच्छा किया। ये देखिए, ये हमारा कन्नू महाराज जी बैठा हुआ है, सबसे छोटा बेटा हमारे परिवार का। बहुत विधि विधान से हमारी पूजा हुई। और ये देखिए थाल, देखिए आज की थाल कितनी अच्छी सजा रखी है। ये आटे के दिए बने हुए हैं, किसी भी प्रकार से ये आटे के दिए नहीं लग रहे थे। फिर हो गई, देखिए अब ये दिए जल चुके हैं। इसके बाद हो गई आरती शुरू। आरती करने के बाद हो गए भजन कीर्तन शुरू। ये ढोलक मेरी देहरादून वाली है, जो सत्संग में यूज़ होती है, किसी ने दी थी मुझे। ये भी गिफ्ट की थी कि सत्संग आपके यहाँ होगा, तो 2 साल पहले बताओ उसको कैसे पता कि मेरे यहाँ सत्संग होगा, तो ये उसने गिफ्ट करी थी मेरे ही नाम राशि। बंद कर दिया।